पास में बैठा व्यक्ति अगर आपके मोबाइल में झांकता हो तो टाइप करे, आजा मोबाइल में घुस जा। ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा कहने वालों के लिए केवल दो शब्द, तू तेरा काम कर, पंचायती मत कर। टमाटर के रस को जूस कहते हैं, टमाटर के रस को जूस कहते हैं। जो मैसेज का रिप्लाई ना दे उसे कंजूस कहते हैं। लड़कियां भी आतंकवादी से कम नहीं होती है। स्कूल में जब टीचर क्लास में आता है तो बोलती है, सर आज आपने टेस्ट के लिए बोला था। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है। कहीं मेरी वाली ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, पगली मिल ही नहीं रही। मेरे हालात ऐसे। स्कूल की एक बात बहुत याद आती है, जब क्लास में सर बच्चों की कॉपी चेक करते थे और हम सोचते थे कि हे भगवान घंटी बज जाए। ना चंद्रमुखी ना पारो, दो पैक मारो जिंदगी आराम से गुजारो। अरिश्फा, दुनिया में से कौन से लोग हैं जो बिना मतलब का प्यार करते हैं? माँ बाप। क्या नाम है तुम्हारा? एमपी सर। एमपी, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? एमपी सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? एमपी सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? एमपी सर। एमपी मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली? दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर। एमपी का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? एमपी सर। क्या एमपी का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। एमपी सर। अब क्या एमपी? माय परफॉर्मेंस सर।